हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि SBI के ATM में पैसे कैसे जमा किया जाता है। एक्चुअली जिस मशीन से पैसा जमा किया जाता है उसे CDM यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन कहा जाता है। इस मशीन की सहायता से आप कैश विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं। तो चलिए अब CDM में चलकर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। इस वीडियो में मैं ATM कार्ड की सहायता से कैश डिपॉजिट करने वाला हूं। आप चाहें तो बिना ATM कार्ड का यूज करें अपने अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर की सहायता से भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत में CDM के स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप इस जगह ATM कार्ड को इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले ये रीड होता है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इस जगह एप्लीकेशन ID चूज करने को कहा जा रहा है। इस तरह का इंटरफेस कुछ नए ATM या CDM में ही शो होता है। ये एप्लीकेशन ID क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस जगह इंटरनेशनल वाले ऑप्शन को चूज करें। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद ये कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद एक नया पेज देखने को मिलता है जिसमें आपको लैंग्वेज चूज करने को कहा जा रहा है। तो आप जिस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं उसे चूज करें। मैं इस जगह इंग्लिश को चूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज चूज करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको 10 to 99 के बीच का कोई सा भी एक डिजिट एंटर करने को कहा जा रहा है। तो इस जगह आप कोई सा भी नंबर एंटर कर सकते हैं। नंबर एंटर करने के बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको अपने ATM कार्ड के 4 अंकों का पिन एंटर करने को कहा जा रहा है। तो इस जगह अपने ATM कार्ड का पिन एंटर करें। पिन एंटर करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस जगह बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होता है, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस जगह डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होता है, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस जगह आप कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पेज थोड़ा देर के लिए प्रोसेसिंग होता है, फिर एक नया पेज ओपन होता है जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट और सर्विस चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप ATM कार्ड की सहायता से कैश डिपॉजिट करने जाएंगे तब आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस पेज में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे आपका अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है। इस जगह सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप करेंट अकाउंट को भी चूज कर सकते हैं। सेविंग पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होता है, इसमें ये कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद कैश रखने वाला बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में आप जितने पैसे रखना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं उतने पैसे रख दें। कैश रखने के बाद आप इस जगह स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक्सेप्टेबल नोट के बारे में बताया जा रहा है कि आप इन 4 प्रकार के नोटों को रख सकते हैं। उसके बाद एंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। एंटर पर क्लिक करने के बाद कैश रखने वाला बॉक्स बंद हो जाता है और कैश वैलिडेट होना शुरू हो जाता है, अर्थात यहाँ पर यह चेक होता है कि कैश ओरिजिनल है या नहीं। साथ ही कैश काउंटिंग भी शुरू हो जाता है। कैश काउंटिंग होने के बाद जो नोट मशीन में एक्सेप्ट नहीं हुआ है वैसा नोट मशीन से बाहर आ जाता है। मैंने जितने भी नोट यूज किए हैं वे प्रॉपर कंडीशन में थे इसलिए सारे नोट एक्सेप्ट हो जाएंगे। नोट वैलिडेट होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको समरी दिखाया जाता है कि आपने कितने नोट जमा किए हैं। अब आप स्क्रीन पर 3 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस जगह कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो रहा है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आपने सक्सेसफुली अपने अकाउंट पर कैश डिपॉजिट कर लिया है। इसके साथ ही आपके ट्रांजैक्शन का रिसीट भी बाहर आ जाएगा और नीचे की तरफ से ATM कार्ड भी बाहर आ जाएगा। अब आप अपने ATM कार्ड को निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।